केहू सुने वाला न रहे, यहाँ पीटा जाए केहू गुहार न लगाए, ऐसे एकई सीट गए एकई सीट जाए वह रहे सथवा यू कहे रहे कहाँ आई खटाखट इनके भाग गए। अब की खटाखट देखिए मिल्कीपुर में खटाखट अब की मिल्कीपुर में उनका देखा है 15 लाख कहाँ गया 15 लाख कहाँ गई 15 लाख कहाँ गई। आप भी साढ़ देखिए आप रोड के ऊपर चलो दिखाते हैं जे दूध खाए उस साढ़ छोड़े तो क्या करे हले साढ़े करिए खूंटा लग रहा था खेत में ऐसा नहीं कहा था उसने ऐसा कहा था यदि मेरी सरकार नहीं अखिलेश ने कहा था या राहुल ने कहा था अलग अलग दोनों साथ में है जब दोनों साथ में है तो अखिलेश पहले जब थे तब क्या किए हैं उसने तो बहुत कुछ किया है उसने क्या नहीं किया सुनिए 100 नंबर उसने मंगवा दिया महिलाओं को लाल का बर्बाद कर दिन अब विकास विकास यह दिखा दबा यह सड़किया दिया। नमस्कार आप देख रहे हैं फोरवाद आज हम खड़े हैं अयोध्या के मिल्कीपुर के पास खड़े हैं और यहाँ का चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्म होता चला जा रहा है। सपा से बीएसपी से सीट कंफर्म हो चुका है मिल्कीपुर में लेकिन अभी बीजेपी से कंफर्म नहीं हुआ है। और क्यों नहीं हुआ है क्योंकि बीजेपी से उम्मीदवार काफ़ी लोग हैं। सोच समझ कर योगी बैठ कर ठंडे माहौल में किसको देने वाले हैं किसको नहीं देने वाले हैं काफ़ी माहौल गर्म है। और जब बीजेपी से कंफर्म हो जाएगा तो हमारे समझ से कहीं ना कहीं देखा जाए और चुनाव का माहौल गर्म हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, चाचा भी खड़े हैं, भैया भी खड़े हैं, दादा भी खड़े हैं। आज उस स्थान पर हैं जहाँ पर हमारे समझ से काफ़ी दादा लोग खड़े हैं, काफ़ी बुजुर्ग लोग खड़े हैं। इनके निगाह में काफ़ी नेता आए, काफ़ी नेता चले गए, लेकिन आज का जो माहौल है उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर क्या कहने वाले हैं आइए पूछते हैं। क्लियर नहीं हो जाते है क्लियर तो होएगा सपा बसपा से सब हाँ वो होएगा भाजपा तो कोनो भा नहीं बा तो किसको देखना चाहेंगे तीनों पार्टी में से एक से। भाई हम तो भाजपा के अलावा क्यों नहीं दी। अच्छा हम झूठ नहीं बोले तो यहाँ अच्छा। चाहे जे खड़ा हुए हम भाजपा के अलावा क्यों कोट यहाँ के विकास के बारे में बताइए जो विकास विकास हुआ है विकास आए आप घूमा था आप देखा नहीं हम तो भैया यहाँ हम तो सर्वे करे आवा और सबसे पहले मुक्ति जुआ है। अच्छा हाँ आइए कुछ लोग यहाँ से बात करते हैं। आज का जो माहौल है काफी गर्म है। आप बताइए चाचा आपकी उम्र के हिसाब से काफी लोग आए गए और चले गए चले गए और आज का जो माहौल है क्या होने वाला है। आज का माहौल बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा यहाँ केहू जनता केहू की कहे वोट नहीं दिए तो अपन विकास देख के दिए थे सही बात और यहाँ के जनता लूट गए। अच्छा चूंकि चाहे अध्यक्ष रहे हुए विधायक और चाहे रहे हुए अब सांसद हो गए किंचा ये रोड देख लियो। अच्छा। उन्हों को पता है कि हमारे क्षेत्र में आवे जाए के केहू को डर रहा है। अच्छा। कम से कम 4 बार हमने कंप्लेन किया है। अच्छा। और 11,000 लाइन हमारे खेते कहीं गन्ना माह की टच चलती है अगर केहू घसियारा गा लील गा गा मनई गा खेत वाला गन्ना बांधे के बा ना उधिया सुनते हैं ना जेल ना SDO केहू सुने वाला नहीं केवल जनता का लूट के वोट ले लिए और बात चल दिए। अब अगर यह लूटे के कार गोरखनाथ न कहे होते जनता के बीच में होते तो ये हरते न। अच्छा ये बात है हाँ इनसे रिएक्शन हो गया केहू के दुखे सुखे ये पहुँचे नहीं। अच्छा और वह टहल लल्लू सिंह का डाइन जानिन की अयोध्या माँ वह संत राम राम करी है हमारे झोली भर जे। अच्छा। वही रिएक्शन से लल्लू सिंह हारे तो अयोध्या से जीते नहीं तो जीतते न जनता का कष्ट सही नहीं गया। अब अवधेशों को सब ही जान लीस कि लूटे के बाद लखे का पीछे का मुँह कैके नहीं ना। अच्छा और एक जगह दोनों दुकान हियाँ के जनता दे ना कि वह विधायक हो जाए और हम सांसद रही केहू सुने वाला न रहे हियाँ पीटा जाए केहू गुहार न लगाए ऐसे एकई सीट गए एकई सीट जाए वाए ना बीजेपी के खौरियान कुकुर आए वो वोट पाए लेकिन गोरखनाथ हैं तो बहुत मशक्कत करे पड़ी। अच्छा गोरखनाथ आएंगे तो बहुत मशक्कत करना तो गोरखनाथ बाबा के अंदर क्या दिक्कत है जो मशक्कत करना वो लगे जाते नहीं जवन हाल अवधेश के वह इससे ज्यादा हाल इनके हुई फोन तक नहीं उठाते क्योंकि देख लियो हमारे यहाँ के ना गांव का राह जाए के बाद जवन जवन गड्ढा बा कि केहू जाए नहीं सकत गदहरा आए दिन स्कूल जाए में गिरत है जैसे दो बूंद पानी गिरत। अच्छा यही रहा ये मिल्कीपुर का कौन सा एरिया लगता है ये मिल्कीपुर का इनायत नगर ग्राम सभा सहुलारा शुक्ल के पुरवा पेट्रोल टंकी पे हो। अच्छा हाँ अब वन कह रहा सपा कांग्रेस का मैचुअल हो के चलती रही कहा जानिए वहीं चलत यह है कि बिगड़ गया है वो तो ऊपर वाले नेतन के बात है कहे तो रहे कि 8,000 रुपया आई जाए 1 लाख आई जाए कहाँ पता निशा है।
अच्छा राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे सथवा यू कह रहे कहाँ आई खटाखट इनके भाग गए। अब की खटाखट देखिए मिल्कीपुर में खटाखट, अब की मिल्कीपुर में उनका देखा है 15 लाख कहाँ गया, 15 लाख कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गई, 15 लाख कहाँ गई, वो 15 लाख कहाँ है जो किसानों के खाते में आ रही है। दो हजार रुपए दे रहे हैं खेतौनी के लिए और रात में खूंटा गाड़ा तो रखावत गांव फाड़ जाती है और जितना बैल साढ़ बाटे पूरे रोड पर खाते सब बसाड़ खाद खत्म होगी। आप भी साढ़ देखिए, आप ये रोड के ऊपर चलो दिखाते हैं साढ़ अभी दिखाते हैं। अरे साढ़ क्या है जे दूध खाए उस साढ़ छोड़े तो क्या करे, हले साढ़े के रिएक्शन नहीं बा रिएक्शन साढ़े जहाँ ही जाते दो ठू बल्ली लग गए किसका है रिएक्शन आने वाली समय बताएगी। फिर क्यों शोर मचा रहे हैं, जिस गली में जाओ भैया साढ़ से परेशानी है। अच्छा, क्या परेशानी, साढ़ से परेशानी नहीं है, नील गाय से परेशानी है, सारे कूद जाते हैं छछा फूट, कोई परेशानी नहीं है। अब वही पकड़ धर पकड़ चल ही रही है, साढ़े का दिक्कत नहीं ना, दिक्कत 2000 खेतों नहीं दे, 2 लाख का तार खूंटा लग रहा था खेत में, केंद्र सरकार पैसा दे रही हुद हुद का अखिलेश सब खाए गए, एक पैसा ही क्षेत्र में नहीं आवा, क्या बात करते हो, वही समाजवादी है, बस केवल गुंडाई कह लिए और जौन पावे जनता को धर लिए। 15 लाख खाते का पैसा कहाँ चला गया, 15 लाख कहाँ है मोदी के, उसको बताए ना। राहुल गांधी ने कहा था 8000 रुपया खटाखट आने के लिए, उसने ये नहीं कहा था, उसने ऐसा कहा था अगर मेरी सरकार बनेगी तो, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 8500 रुपए परिवार की एक महिला के खाते में सीधा डालेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा था कि हर महिलाओं के खाते में 8500 रुपए खटा कट जाएगी, ऐसा नहीं कहा था उसने, ऐसा कहा था यदि मेरी सरकार बनेगी तो। अखिलेश ने कहा था या राहुल ने कहा था, अखिलेश बोले रहे, राहुल बोले रहे, ये बताइए राहुल जी बोले थे, राहुल अखिलेश के साथ में है या अलग अलग है, दोनों साथ में हैं। जब दोनों साथ में हैं तो अखिलेश पहले जब थे तब क्या किए हैं, जब उसने तो बहुत कुछ किया है, उसने क्या नहीं किया? 100 नंबर उसने, सुनिए 100 नंबर उसने मंगवा दिया महिलाओं को, अखिलेश जो कह पाए हैं ये कुछ नहीं कर पाए हैं, सिर्फ मंदिर का घंटा बजवाए बाकी कुछ नहीं कर पाए हैं। दादा रुको एक बता, चलिए आप बताइए यहाँ मिल्कीपुर में जो है, ये एक एक लोग बोलो, यहाँ मिल्कीपुर की बात करो पहले, यहाँ के विकास के बारे में बताइए। मिल्कीपुर के अंदर में भैया जितना विकास सपा सरकार ने किया है उतना विकास किसी ने किया नहीं है। अच्छा, कोई माने या ना माने, यही देखिए आश्रम पद्धति यही बनवाया है, 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बनवाया है कुमारगंज में। अच्छा। और एक राजकीय विद्यालय देखिए आप हरंटीनगंज में है। अच्छा। और एक देखिए यहीं पर स्कूल जो है बना हुआ है, आज तक अभी चला नहीं पाई थी सरकार, बने हुए स्कूल को इसने रोक लगा रखा था जब तक, यही हमारे आदरणीय विधायक गोरखनाथ बाबा जी थे यहीं पर। अच्छा। ठीक है ना, और जब दोबारा सरकार बनी है सपा सरकार में, मान लीजिए सपा सरकार तो नहीं बनी लेकिन यहाँ जब अवधेश प्रसाद मंत्री हुए या विधायक हुए जो भी सांसद हुए उनके आने के बाद में सारे स्कूल चलवाए गए हैं। ठीक है ना, और प्रधान मेवा लाल उछिन्न हो गया उनसे कहीं ना कहीं गुणवत्ता देखो, और 16 एक मसाला लागत रहा और वह जो है कई दिन तो कहें तू जो है विकास काम मरवाड़ा डावत बाटो मारे मेवा लाल का बर्बाद कई दिन, अब विकास विकास यह देखा बा यह सड़किया देख लिए कस गड्ढा बा, यह अवधिया साहब मंत्री और विधायक सब रहे सड़क का हाल देखिए, यही से अभी इसके पहले 5 साल सांसद और विधायक दोनों थे उन्हीं के। आपने कहा ये सड़क आपने कहा सीधा छोड़ दिए थे, 700 मीटर सड़क यहीं से सीधा छोड़ दिए थे, उसके आगे बनवाए थे, क्यों छोड़ दिए थे भाई। अच्छा, ये बात यही ठूरी इनका 5 नंबर पर घर बनवाए के केवल ये लूटे के काम क्षेत्रों के, कहूँ सूझ यहाँ पर न गिट्टी परी न तारकूल पड़ा, सब किनारे हो गया। अच्छा, हाँ, कहा ओठवा मांगे आए है और 5 साल 2.5 साल बीतत बा एक नहीं देख पाई न वही तक, और फिर सांसद हो गया घूम के आए एक दिन की पुर के सांसद अवधेश प्रसाद बना जी। अब वह 5 साल एक रन करी है लेकिन वह काव के यहाँ वह से जनता एकदम जानती है, वका बतावे के जरूरत नहीं ना, 2-4 जने के हम झूठ बोली या वो झूठ बोले तो वैसे कौनो फर्क, जनता समझदार है, जनता समझदार जनता भाई तो सांसद उनका बनाए दी। अच्छा, तो क्या कहेंगे यहाँ का माहौल, यहाँ का माहौल तो सपा भाजपा में है ही, उसमें दोनों में माहौल है। लल्लू सिंह जनता के ख्याल भ्रमण नहीं कहीं मिलब जुलब बंद कर दिन, वही की वजह से वो जीत गया ना से। अच्छा, हाँ झूठा मंत्री है ही वे, सब झूठ बोला थी लड़े सपा बसपा तीनों भाजपा तीनों लड़े, हमार बसपा कमजोर नहीं बा, हाँ बताइए झूठ का जमाना नहीं है यार, जनता जगह चाहिए यार, अच्छा समझी वही बना दी सांसद, में कौन बात बा, कुछ कबलियत नहीं तो बना दी, बात सही है बात, कबलियत नहीं ना बहुमत वही भाई, ज्यादा जनता आई
चाहे झूठ बोला हो चाहे सही बोला हो, वो कहे दिमाग में आएगा कोई बात बस तब। अच्छा ये बताओ, चलो बात खत्म करो, मिल्कीपुर में बहुत सारे नेता विधायक बने चले गए, लेकिन सबसे अच्छा अपने हिसाब से सबसे अच्छा नाता किसको देखना चाहते हैं? ये भैया हमारे जो है ये मिल्कीपुर विधानसभा आदरणीय अमित सिंह यादव, स्वर्गीय अमित सिंह यादव जी का जो गढ़ था ये, आज तक उनको कोई हरा नहीं पाया यहाँ से। आज वो स्वर्गीय हो गए और सीट जो है सुरक्षित हो गई। आज अवधेश प्रसाद जी हैं जी। आज मौके पर वर्तमान सांसद हैं जी। और विकास करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं नहीं करेंगे, करेंगे विकास। अच्छा। ऐसा है नहीं, एक दिन में कोई विकास नहीं कर सकता। अच्छा। पहली बार सांसद बने हैं और विकास को कर दिखाएंगे। समय का निरपेक्षण है, भी समय आएगा। आपने आपने सपा पार्टी से कहा कि विकास करेंगे, करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो ये हाईवे रोड दिख रहा है, ये हाईवे रोड बीजेपी का देन है, किसका देन है? ये बीजेपी का देन नहीं है तो। ये सपा सरकार में जो है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने उसका जो है उद्घाटन करके चले गए थे अयोध्या बाईपास पर। हाँ गडकरी जी, अब वो भाजपा में थे, लेकिन उनके ही साम्राज्य में हुआ है। हाँ सिर्फ सुनिए, उनके साम्राज्य में ये इसका उद्घाटन हो चुका था और जिसकी सरकार रहती वही बनवाता। भाजपा की सरकार गई, भाजपा ने बनवाया, सपा की सरकार होती सपा बनवाती। लखनऊ गया था मैं, लखनऊ गया था, अभी लखनऊ गया था, लखनऊ में जाकर देखिए, जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने रोक दिया था वहीं पर जाकर देखिए आप, वो मेट्रो लाइन वहीं पर रुकी पड़ी है, आगे बनाने जाने के लिए जगह नहीं है। जगह जगह हमने देखा कि सैकड़ों जगह हमने जाम जो है दो दो तीन तीन घंटे खड़े होकर के लखनऊ में जाम निभा के आए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी मौजूद है। हैदराबाद राय बरेली जो रोड बना है चमचमाता हुआ थोड़ा सा, हैदराबाद राय बरेली जो रोड बना हुआ चमचमा रहा है, भैया का कह रहे हैं कि नितिन गडकरी का देन। हाँ तो बीजेपी का रहे नितिन गडकरी, अब तो बता दीजिए। तो कह रहे हैं सिर्फ उन्होंने उद्घाटन किया था सरकार, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, आदरणीय अखिलेश जी ने उसका उद्घाटन कराया था और उसके बाद उनकी सरकार चली गई 2015-16 में 17 में, और उसके बाद में जब आ गई भाजपा सरकार तो भाजपा ने बनवाया। लेकिन बनाया तो भाजपा ने, बनाया तो भाजपा ने। वाह भाई, मेन चीज जड़ होती है भाई, जड़ होती है, नींव डालना, अगर नींव डाल दी गई है तो ऊपर तो बिल्डिंग कोई ना कोई उठाएगा ही। नींव लेकिन सपा सरकार ने डाला था, नींव सपा ने डाला था। देखिए नहीं ये कहत रहे कि हिया मित्र सियन कब्बो हारे नहीं, हिया का जनता हरावे जानत है, जितावे जानत है। कई दाई कई उदाई मित्र सियन हारे, कई उदाई विनय कटियार आए, और जब मित्र सियन हारत नहीं रहे कैसे विनय कटियार आए, निर्मल खत्री है, झूठ बोले वाली आदत जेकर है वो कह रहे। ये तो सरकार के ऊपर है, ये तो जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। विकास विश्व स्तर पर बीजेपी के बाद क्यों हार गई फिर? हार गई लल्लू सिंह प्रत्याशी की वजह से, प्रत्याशी गड़बड़ दे दी है, जो चल नहीं सकता प्रत्याशी उसको लेके कर दिया। गोरखनाथ का वही हाल फिर ना हो जाए, गोरखनाथ को दे देंगे टिकट तो फिर हार जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा गोरखनाथ में कोई कमियां है क्या? बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं गोरखनाथ जी के अंदर में, उनके पद उनके उनके जो है कि उनका जो सम्मान जनता बहुत करती थी कि नवयुवक हैं हम लोगों के बीच में आए हैं, बहुत बड़ा विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने मिल्कीपुर का विकास नहीं विनाश किया है यहाँ पर। अच्छा। उन्होंने विनाश किया है, उन्होंने विनाश किया है, जिसका एक नल अगर कोई मांगा होगा विधायकी में तो जिसके पास आंगना में नल लगा होगा उसके आंगने में नल लगवा दिए हैं, और जिसके पास अगर मांगा होगा 10 आदमियों के बीच में एक नल लगवाना तो वहाँ लगवा नहीं पाए, वो कभी नहीं लगवा पाए, यही लगवा नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबसे मिलकर। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा। इस समय है कि पूरा लोकेशन है मिल्कीपुर का। बहुत बहुत धन्यवाद।